आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग को साथ में हनी एंड पनीर का पराठा, और आप लोग लिंक मिल जाएगी जो पनीर का हमने मसाला बनाया था, पनीर भुर्जी बनाई थी वही है, थोड़ा सा बटर डाला हमने और इसमें चॉकलेट और हनी का पराठा बनाएंगे। तो आप लोग दिखाते, बटर लिया हमने 1 टीस्पून, मैंने जो हमने इसमें आटा लिया है ये लिया है करीब 200 ग्राम आटा है, बटर 1 टीस्पून, हनी डालेंगे 2 टेबल स्पून, हनी एंड चॉकलेट का पराठा, हनी एंड पनीर का पराठा। तो पनीर का जो मसाला है वो हमने जो पनीर भुर्जी बनाई है उसकी लिंक दे दूँगा, जाके चेक कर लेना, वही मसाला हमने इसमें स्टफिंग करी पनीर भुर्जी वाला, काफ़ी टेस्टी लगता है। देखिए 2 टेबल स्पून हनी डाली, दूध डालेंगे इसमें बस करीब 40 ग्राम दूध डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालेंगे और जैसे नॉर्मल पराठे का आटा लगाते हैं ऐसे लगाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएगा टिफ़िन में और मीठा मज़ा आ जाएगा खाने में। इस तरीके से इसका आटा रेडी कर लेंगे हम, तो आप लोग बताएंगे। और चीज़ और पनीर और चॉकलेट का पराठा, 3 पराठे बनाएंगे इससे हम। ये देखिए ये हमारा रेडी, थोड़ा सा पानी डाला था हमने और ये हमारा आटा रेडी। तो चलिए, नॉर्मल चीज़ लेना है, कोई भी चीज़ ले सकते आप। इस तरीके से हम पराठा रेडी कर लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा आटा रेडी हो गया, इसको 10-15 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद में इसको स्टफिंग करेंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए, तो बड़ा सॉफ्ट होगा हमारा पराठा खाने में और मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरीके से लोई बना लेंगे सबकी और फिर हम करेंगे स्टफिंग। ये देखिए ये जो हमने बताया आप लोगों पनीर भुर्जी के जो मसाला बनाया था हमने पनीर भुर्जी, वही मसाला इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे पनीर और हनी का पराठा, काफ़ी टेस्टी लगता खाने में, मज़ा आएगा। चीज सिंपल चीज है, हमने कुछ भी नहीं डाला है, अमूल की या ब्रिटानिया की जो भी चीज़ है वो आप इसमें ले सकते हैं, और इस तरीके से इसकी स्टफिंग कर लेंगे, काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब हम बनाएंगे चॉकलेट, ये देखिए इसको बेल देते हैं। इसको बेल लेंगे, ये देखिए और ये देखिए दूसरा चीज़ और पनीर का, एक कॉटेज चीज़ और एक चीज़, ये कॉटेज चीज़ वाला है, और अब बनाएंगे चॉकलेट का। चलिए इसको भी सिकने के लिए डाल देते हैं, और ये सिकने के लिए डाल दिया और हम चॉकलेट का बना लेते हैं। चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर इसमें हम डालेंगे, 2 टी स्पून डालेंगे, ये देखिए करीब करीब 15 ग्राम चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर, और काफ़ी, और आप चाहो तो इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉकलेट डालेंगे तो आपको प्रॉपर मेल्ट करना पड़ेगी उसको और फिर भरेंगे, लेकिन वो चॉकलेट निकलने लग जाएगी, इसलिए हमने इसमें चॉकलेट ड्रिंकिंग पाउडर डाला। ये देखिए दूसरे में भी, तो आप चॉकलेट का अगर वैसे डालेंगे तो आपका मेल्ट होकर बाहर निकलेगा, तो आप चॉकलेट ड्रिंकिंग यूज करें या चॉकलेट को ग्रेट करके यूज करें फिर, तो आपका पराठा अच्छा बन सकता है। चॉकलेट को ग्रेट कर लें और इस तरीके से इसमें भर लें। हमने चॉकलेट ड्रिंकिंग ली है, ये देखिए जो दूध में डाल के पीते हैं वो है हॉट चॉकलेट, और इस तरीके से इसको भी हम बेल लेंगे, लेकिन मज़ा बहुत आता बच्चों को खाने में। ये देखिए तो ये हमारे पराठे रेडी सीख चुके हैं हम, चलिए आप लोगों को काट के दिखाते हैं और मज़ा आएगा इसको खाने में, करे वाओ, जला नहीं है दिख रहा है लेकिन सिका बहुत अच्छा है।
तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। चीज का है ये चीज, ये देखिए ये जला हुआ नहीं है लेकिन ब्राउन है, मज़ा आएगा खाने में। कुरकुरा आओ, ये पनीर का वो कॉटे, ये बहुत चीज और एक कॉटेज चीज, पनीर पनीर का है ये। चॉकलेट का निकाल लेते हैं और चॉकलेट का काट लेते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है चॉकलेट का पराठा, वाओ मज़ा आएगा खाने में। ये देखिए अभी धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएगी चॉकलेट, ये देखिए ड्रिंकिंग चॉकलेट, जो चॉकलेट एंड हनी का पराठा, मज़ा आएगा खाने में, वाओ ये देखिए, वाह हा हा मज़ा आ जाएगा गरम गरम खाएंगे तो। और इसको आप टिफिन में भी दे सकते हैं बना के बच्चों के लिए, तो इस तरीके से आप लोग पराठे बना सकते हैं, चॉकलेट हनी का पराठा, चीज हनी का पराठा और इसमें आप पनीर और हनी का पराठा। तो आप लोग हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। आप लोगों को लिंक दे दूंगा शेव भाजी की 5 प्रकार की ग्रेवी, और आप लोगों इसमें लिंक दे दूंगा जो हमने पनीर भुर्जी डाली उसकी, तो जाकर चेक कर लीजिएगा। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना।